आप अपना ध्यान रखें, सेफ्टी को बनाए रखें, वो बहुत बेहतर होगा। मंच पे सभी बैठे जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं आज के दिन में और काम कर रहे हैं, उसकी आपको बधाई। मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसे फंक्शन पे आना है। सिद्दीकी साहब ने बोला एक छोटा सा है, 5-7 लोग होंगे, 10 होंगे, तो मुझे गिनती आती नहीं है, तो मुझे लगा सिर्फ 10 ही लोग हैं। पर अच्छा लगा यहाँ पर आकर, कलकत्ते में 1 साल के बाद आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं आपके बीच में आकर बहुत समय लगाऊंगा और आपको बहुत प्यार से मिलूंगा। मैं बार बार सिद्दीकी साहब को कह रहा था कि मुझे नहीं जाना, पब्लिक में अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपना मुंह थोड़ा सा ढक लीजिए। कहते हैं वैसे तो मुंह छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन आज का जो समय है अगर मुंह छुपा लेंगे थोड़ा बहुत तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आप इतना यहाँ काम कर रहे हैं, आपको मुबारक, और इसी तरह काम करते रहे तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद मुझे आपने यहाँ पर बुलाया। पहले तो होली के शुभकामनाएं आप सबको, हैप्पी होली, आप सबके जीवन सुंदर हो, रंगीन हो, और हम सब मिल के एक साथ, सब रंग एक साथ मिल के भारतवर्ष को पूरा रंगीन बना दें। हमारे लिए आए हुए हैं, जब हमें वर्ल्ड कप जीतने का कोई उम्मीद नहीं था, इनका वो खेला जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से फाइनल में ले गया, वो भारतवर्ष के अगर सच्ची कोई योद्धा है, कोई सच्ची भारत माँ के पुत्र है तो वो कपिल देव। हम इनको जब ईस्ट बंगाल में ये खेलने आए थे आज से 28 साल पहले, तब इनके साथ हम थे, तब वो यंग थे, उस समय मेरे बेटी को भी एक गोद में लिए उस समय के बाद। असरानी जी हमारे मित्र मेरे घर में आए थे, हम बोले चलिए मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-4 जगह आपको घुमा दें, वो बॉम्बे से आए हैं। और बॉबी भाई आपका इलेक्शन है, आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। असरानी जी अंग्रेज के जमाने के जेलर वो यहाँ पर बैठे हैं। सिद्दी की साहब है, रामकृष्ण राम जी है, हमारे गुलाम अशरफ है, अनिल है, सारे हमारे दोस्त सब हैं, धनंजय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ बातों कहता हूं, जो हम पूरे खिदिरपुर जो है ये एक परिवार है, पूरे खिदिरपुर को भी ये एक परिवार है। और मैं आपको कहता हूं असरानी जी, यहां पर आप छोटा से भारतवर्ष देखिएगा, छोटा से भारतवर्ष, हम सब, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई पंजाबी, सब मिलकर एक साथ रहते हैं। और हमारे यहां पर यूपी के आदमी हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, तेलुगु के हैं, बंगाली हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, सब यहाँ पर हैं और एक साथ मिलजुल के यहाँ पर हम लोग रहते हैं भाईचारा के साथ। और यही हमारे परंपरा है, जब रामदास थे तब भी यही परंपरा था, अब मैं हूँ यही परंपरा है, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और इस बार तो थोड़ा मुंह झांकना होता है क्योंकि कोविड फैल रहा है, कलकत्ता में भी फैल रहा है, मुंबई में भी फैल रहा है, मगर अगले हम सब वैक्सीन ले लेंगे और वैक्सीन लेने के बाद सब खुल के फिर से अगले साल होली मनाएंगे। होली हो, होली हो। आज बस इतना ही कहता हूं कि हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, यही हमारे एकता है। हम बंगाल के हैं और बंगाल में रहेंगे। जय बंगला, जय बंगला, जय बंगला, जय भारत, जय भारत, जय हिंद।
हिंद। धन्यवाद, सब अच्छे रहिए, सबके जिंदगी सुखद हो, सुंदर हो, यही मेरा प्रार्थना है। जयंती कथा बोची, थोड़े इधर जाओ, थोड़े उधर जाओ, बाकी सब बॉबी हकीम के पीछे जाओ, बाकी सब तृणमूल कांग्रेस के पीछे जाओ। आदि क्षेत्र में कपिल देव जी बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का गौरव, सारे वर्ल्ड में अंग्रेजों को हटा दिया, भगा दिया कपिल देव ने। जैसे एक बार अंग्रेज बंगाल में आए थे तो काफी लोग पीछे पड़ गए थे, मगर हाँ, बंगाल के लोगों ने उनको हटा दिया। दूर दूर से भाई, हमारी दीदी का एक नक्शा है, ममता बनर्जी का एक सपना है, हुगली नदी के किनारे पर, जैसे इंग्लैंड में थेम्स की नदी पर, इंग्लैंड है, लंदन है, हुगली के किनारे पर वो कलकत्ता को बसाना चाहती है। जोरदार ताली बजा दो। जब वो रेलवे मंत्री थी तो दमदम एयरपोर्ट से लेकर रामकृष्ण परमहंस के मंदिर तक, वहां तक कपिल देव पहुंच गए। वो रेलवे मंत्री थे, तो चुप रहे, क्यों बची, तू सुनो यार, बात सुनो यार। इतने बड़े बड़े सम्मानी लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हमारे बॉबी हकीम जीत गए। मेयर है, कोई जरूरत नहीं थी विधायक लड़ने की, उन्होंने बोला फिर भी मैं सेवा करूंगा। मैं इनके घर पे जा चुका हूं, इनके पहले मैं चुका हूं। कोई भी गरीब हो, अमीर हो, टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, हर एक की मदद करते हैं। इनको मालूम है कि हमको कलकत्ता को एक इंटरनेशनल वर्ल्ड बनाना है। ममता जी का सपना इनको मालूम है कि एशिया का गेट वे बंगाल बनेगा। जो मुगलों के जमाने में बड़े बड़े व्यापारी लोग यहां आते थे, उसी को वापस लेकर आएंगे। दोस्तों, ममता जी के सपने को साकार कीजिए, हकीम भाई के सपने को साकार कीजिए, तृणमूल को मोदी देखिए। मैं राजनीति में नहीं हूं, मगर मुझे राजनीति आती नहीं है, मगर उनके प्रेम ने मुझे बुलाया, इसलिए बोलता हूं अटेंशन। हम नेता अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, आज के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हमारी जेल में सुरंग, आज इधर जाओ, आज उधर जाओ, बाकी हकीम के पीछे जाओ। हमारे जासूस जेल के कोने कोने फैले हुए हैं, हमारे हुक्म के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, हम जानते हैं। हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती है, मगर इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। अंग्रेजों के जमाने में हमने हमारी जेल में सिर्फ टीएमसी के नेता देखे थे, बीजेपी का एक भी नहीं था। हम जानते ये लोग कभी नहीं सुधर सकते, अरे हम सुधरेंगे, ये कब सुधरेंगे। जय हिंद। हकीम भाई जिंदाबाद, हकीम भाई जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।